हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया लेके आ गया हूँ एक और प्रकार का टेस्टिंग। पहले देखा था व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, आज लेके आ गया हूँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो भैया ये रंग काहे बदल दिया गया है? रंग इसीलिए बदल गया है क्योंकि इसका जो ढंग है टेस्टिंग का वो भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब ये कैसा ढंग बदला, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ऐसे आपके जो बहुत सारे सवाल रिलेटेड टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग रहने वाले हैं उनका जवाब मैं आज इस वीडियो के जरिए देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीके से ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आखिर टेस्टिंग करता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो आप तक मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाला हूं। तो भैया सबसे पहला जो एक स्लोगन आप कह सकते हो, स्लोगन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को याद रखने का एक स्लोगन जो है वो है किसी के इंटरनल मैटर में पढ़ने का नहीं। सिंपल सा स्लोगन, भाई मेरे को किसी के इंटरनल मैटर में पढ़ने का नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। ये जो डायलॉग है, ये जो स्लोगन है, इट वेल सूट्स द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बिहेवियर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के वक्त भी कि यार देखो आपके पास एक बॉटल होगी। अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को अपन ग्लास बॉक्स या फिर क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, वो बॉटल ट्रांसपेरेंट है, कांच की बनी हुई है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग ना, तो वो कांच की बनी हुई है, वो क्लियर सब कुछ आर पार दिख रहा है। तो उसमें अगर कुछ भी गंद होगी, मिट्टी होगी, डस्ट होगी, धूल होगी, कुछ भी अगर उसमें पानी में होगा अंदर उस बॉटल के, तो आप उसको पियोगे नहीं, आप उसको देख लोगे। और जब देख लोगे तो ऑब्वियसली आप उसको साफ करोगे सबसे पहले, तो भी सही बात है कि नहीं, क्योंकि दिख रहा है तो आपका साफ करना बनता है। तो इसीलिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जो अंदर का मामला, जो इंटरनल एनवायरमेंट है, वो आप सबसे पहले भैया कंसिडर करते हो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, उसको भैया आप जो है कंसर्न होते हो कि ये पहले साफ होना चाहिए। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मैंने उस बॉटल को ब्लैक कलर कर दिया, या फिर आप ऐसा समझिए कि वो बॉटल जो है किसी मेटल की बनी है, एल्यूमिनियम, कॉपर, अलग अलग मेटल धातुओं से वो बॉटल बनी है, कहने का मतलब ये अंदर की बात आपको नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो यू आर नॉट कंसर्न्ड विद द इंटरनल मैटर, सिंपल, आपको इंटरनल मैटर में पढ़ने का नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो आप क्या करते हो, आप इनपुट लेते हो, प्यास लगी है, हाथ ऊपर करते हो, पानी पीते हो, ये इनपुट दिया, अब ऑब्वियसली उसमें गंद वगैरह पड़ी हुई है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है उसमें मौजूद है, लेट्स से, तो आपने वो पिया और फिर उसके बाद पानी आपने बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो अंदर तो नहीं जा सकता, गंद वाला पानी जो अंदर होगा तो बॉडी के अंदर नहीं भेज सकते, तो उसको आपने बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हुआ, आपका बिहेवियर, और इसी बिहेवियर को टेस्ट करने का काम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता है। मतलब आप अगर एक सिस्टम हो तो भैया इस सिस्टम को अगर मैं एक इनपुट देता हूं तो वो कैसा आउटपुट मुझे जनरेट करके दे रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, ये वो समझने की कोशिश कर रहा है। जो भी फंक्शनैलिटीज उससे एक्सपेक्टेड है, क्या वो फंक्शनैलिटीज उसी तरीके से बिहेव कर रही है या नहीं, ऐसा अगर इनपुट दिया तो आउटपुट कैसा है, ये भैया उसका मामला है, ये उसको समझना है कि अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या है, क्या ये आउटपुट मेरे हिसाब से, मेरे फंक्शनैलिटी के हिसाब से क्या ये बिहेव सही तरीके से कर रहा है या नहीं। ये चीजें यहां पे समझनी और टेस्ट करने का काम जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो हमारे टेस्टर्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि सिंपल है, मैंने आपको बताया कि ये स्लोगन तो याद ही रखना है, साथ ही साथ इंटरनल कोड, जैसे मैंने बताया ना कि इंटरनली वो जो बॉटल के अंदर पानी के अंदर जो गंध थी, जो डस्ट था, जो पार्टिकल्स थे, वो एक तरीके से आप बग समझ सकते हो, एरर समझ सकते हो, फॉल्ट समझ सकते हो, जो कि आपके इंटरनल कोड, प्रोग्राम, मॉड्यूल्स, यूनिट, स्ट्रक्चर्स में होंगे, बराबर है, उसमें जो भी चीजें होंगी उसमें कुछ ब्रोकन लिंक्स होंगे, पाथ्स होंगे, कहीं कुछ रिडंडेंसी होगी, कुछ ना कुछ गलतियां जो आप कह सकते हो वो सारी वो आपकी इंप्योरिटीज हैं। तो वो आपको कहां मिलेंगे, आपके कोड में मिलेंगी, है कि नहीं। बट यहां पे जो इंटरनल कोड स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म जो भी अंदर चल रहा है इज हिडन, यहां पे वो छुपाया जाता है, इसलिए मैंने बोला कि भैया ब्लैक पेंट मार दिया, या फिर एक ऐसी बॉटल है जो कि मेटल की बनी है तो इससे आपको अंदर का दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो हिडन है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो हिडन होता है, अब वो हिडन होता है तो आप उसको वहां पे ज्यादा उसमें पढ़ोगे नहीं, उस मामले में अंदर जाओगे नहीं कि भैया इंटरनली क्या चल रहा है मामला, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया इसको आप किस तरीके से और नामों से पुकार सकते हो जिससे कि इसको बुरा ना लगे, तो आप इसको बोल सकते हो आउटर टेस्टिंग, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि इंटरनल मैटर से लेना देना नहीं है, तो आप आउटर ही जो कर सकते हो, समझ सकते हो, बिहेवियर ये देख सकते हो, तो ये आउटर टेस्टिंग हो गया, या फिर एक्सटर्नल टेस्टिंग आप इसको बोल सकते हो, बराबर है, बाहरी एनवायरनमेंट में विदाउट गोइंग इनसाइड टू दैट रिस्पेक्टिव कोड, तो आप उसे एक्सटर्नल टेस्टिंग बोल सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा फायदा एक ये आ जाता है कि आपको नो रिक्वायरमेंट ऑफ PLK यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज की आपके पास होने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये बहुत ज्यादा बुनियादी जरूरत आपकी बन रही थी, बराबर, क्योंकि आपको टेस्ट केसेस डिजाइन करने थे, आपको इसको एक तरीके से कोड करके इनपुट देना था, तो उसमें समझना था आपके बेसिक जो एस्टैब्लिश पहले से एग्जिस्टिंग कोड है उसको समझना था, उसकी गलतियों को समझना था, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज वॉज मस्ट। बट यहां पर जो है
इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इतनी कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डीप डाइविंग इन टू दोज कोड पार्ट ऑफ योर इंटरनल मैटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया बहुत सारे अलग अलग विविध प्रकार के जो टेक्निक्स है वो भी अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कॉज इफेक्ट ग्राफ। तो भैया सिंपल सा फंडा है, जैसा नाम है वैसे ही काम है, कि यहाँ पे आप एक ग्राफ बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एक ग्राफ बना रहे हो, जो ग्राफ आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सम कॉजेज एंड देयर इफेक्ट, कॉजेज एंड देयर इफेक्ट। आपको बात समझ में आ रही है? अब इस केस में जो कॉजेज होते हैं हम उनको इनपुट की तरह ट्रीट करते हैं, और जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं उसको आउटपुट की तरह ट्रीट करते हैं। कि मतलब भैया जो एक आउटपुट मुझे अभी दिखाई दे रहा है सामने मेरे सिस्टम से जो निकला है अभी आउटपुट, उसको उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है कौन कौन से इनपुट्स का, मतलब इस इफेक्ट को जनरेट करने के लिए व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स और व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज दैट आर देयर प्रेजेंट, बराबर है। तो यही चीज को एक ग्राफ में बताना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताना, यही आपका कॉज इफेक्ट ग्राफ जो है करता है काम। क्योंकि हम भी ऑब्वियसली इनपुट आउटपुट से ज्यादातर डील करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप कह सकते हो, जो कि आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इस्तेमाल की जाती है। अगला वाला जो टेक्निक है रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग, जैसा नाम है वैसे ही काम है, कि यहाँ पे आप टेस्ट करोगे आपका प्रोडक्ट हो गया, कह लीजिए सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम हो गया, जो भी है, तो उसमें भैया आपकी कुछ रिक्वायरमेंट आपने पहले से डिफाइन की होती है कि हाँ भैया मुझे ये फंक्शनैलिटी इसमें चाहिए, आई वॉन्ट दिस फंक्शनैलिटी, और ये उसी तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए जैसे मैंने कहा है। तो आपके जो भी SRS में लिखा होता है, डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद होता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके हिसाब से आपका सिस्टम बिहेव कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं, दैट इज वॉट वी आर टेस्टिंग हियर। सिंपल सा फंडा, ठीक है। उसके बाद आता है बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू भी बड़ा कमाल का एक टेस्टिंग का तरीका है। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसा नाम है वैसे ही काम है, कि आपके जो भी सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ एक रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउड होती हैं। ओके, मान लीजिए अगर आपको एक फंक्शन परफॉर्म करना है तो उस फंक्शन के लिए एक रेंज ऑफ वैल्यूज डिसाइड होती है, जिसमें अपन कंसिडर करते हैं एक अपर बाउंड होता है, एक लोअर बाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 1 और 99, ये क्या है भैया, ये मेरा रेंज है, जो कि एक फंक्शन F1 को जब एक यूजर परफॉर्म कर रहा होगा तो उसमें ये रेंज ऑफ इनपुट जो है वो अलाउड है। दिस इज द रेंज ऑफ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दैट इज देयर फॉर दिस रिस्पेक्टिव फंक्शन इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, बाउंड्री वैल्यूज होगी। सिंपल सी बात है ना, अगर ये मेरे बाउंड्स हैं लोअर एंड अपर बाउंड, तो ये मेरी बाउंड्री वैल्यूज हो गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में ज़्यादातर इन्हीं के आसपास खेलता हूँ मैं, बीच वाले खिलाड़ियों को छोड़ देता हूँ, बीच वाली वैल्यूज को छोड़ देता हूँ, मैं इन्हीं के साथ ज़्यादातर खेलता हूँ। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि भैया जो आपकी ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज होती है जिनको हम लोग बाउंड्री वैल्यूज कहते हैं, वहां पे एरर्स की मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गलतियों की मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और एक और चीज आपको यह भी देखना होता है कि अगर यहां पे बाउंड्री वैल्यूज प्रोवाइड की जाती है यूजर के द्वारा तो सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये चीज भी एनालाइज की जाती है। तो इसमें भी आप देखोगे बाउंड्री वैल्यू में देयर इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटरनल फंडा। ओके, एक इंटरनल एनालिसिस होता है और एक आउटर या एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। मतलब क्या इसका, सिंपल है, देखो इंटरनल मतलब क्या, कि आप यहां पे जो भी वैल्यूज कंसिडर करने वाले हो टेस्टिंग के लिए, टेस्ट केसेस में फॉर द बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, तो यहां पे इंटरनली आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के साथ डील करोगे। मतलब जो आप इनपुट दोगे सिस्टम को वो 199 ऐसा ही होगा, बराबर है। तो इसी बाउंड में बंधे हुए इंटरनली जो आपका बाउंड डिफाइन किया गया है वही वैल्यूज आप प्रोवाइड करोगे। लेकिन एक्सटर्नल या फिर आउटर जो टेस्टिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वी ट्राई टू गो फॉर 1 के पहले क्या है, 0 भी है, 99 के बाद क्या है, 100 भी है। तो यहां फंडा क्लियर हो गया कि यहां पे जो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसका थोड़ा सा आगे या पीछे अपन चलते हैं, बिकॉज यहां पे एक्सटर्नली अपन टेस्ट कर रहे हैं, इंटरनल बाउंड को छोड़ के थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं और फिर देखते हैं कि अगर मैंने ऐसी वैल्यूज अगर हमारे सिस्टम को प्रोवाइड की, प्रोडक्ट को प्रोवाइड की, तो आखिरकार वो कैसा उसका रिस्पॉन्ड करेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा, ये भी टेस्ट करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से भैया बाउंड्री वैल्यू की जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जा रही है। उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स के नाम आपके पास होने चाहिए, पता होने चाहिए, जो बड़े पॉपुलरली यूज किए जाते हैं अंडर द टाइटल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो जैसे कि सिलीनियम, आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा इसका भैया, फिर उसके बाद एप्ली टूल्स हो गए, फिर उसके बाद एपीएम हो गया। तो ऐसे कुछ नाम है भैया जो आपके जहन में होने चाहिए कि अच्छा भैया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ गया, तो ये टूल्स जो है वो ज्यादातर तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के रिलेटेड जितनी भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब
आपको मिल गए होंगे, उनकी आइडिया आपको लग गई होगी। अगर मिल गए होंगे तो भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।